नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू की सीरीज लगातार चल रही है आप लोग की, और यह भारतीय इतिहास के सारे प्रश्न हैं। जैसे ही भारतीय इतिहास के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, एक मास्टर वीडियो में भारतीय इतिहास का बना दूंगा। देखिए दोस्तों, यह 1000 एमसीक्यू है, यह आपका परीक्षा मंथन की पूरी बुक का, और अगर आप परीक्षा होने तक इसे फॉलो कर लेते हैं, 24 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होने वाली है, कर लेते हैं तो मेरा उम्मीद है कि अगर 150 प्रश्न आपके आते हैं तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना है, क्योंकि यह सीरीज जो है बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही बोधगम है, और हर टॉपिक को कंप्लीट किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। तो समय कम है, और समय कम रहते हुए भी अगर मास्टर रणनीति के साथ तैयारी किया जाए तो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रहती है। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी, उसके पहले जो संस्था थी वह कौन सी थी? तो यह सभी संस्थाएं बात की हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, लेकिन उससे पूर्व की सबसे प्रमुख संस्था की बात हो रही है। तो यह आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यह आपका होगा विकल्प डी। यहाँ देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने अपना राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन का जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1883 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1885 में हुआ था, और 1886 का जो इसका अधिवेशन हुआ था इंडियन एसोसिएशन का, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। तो पहला 83, उसके बाद 85 और 86 में विलय ही हो गया था। देखिए इंडियन, यहाँ पर सम्मिलित करना है तो देख लीजिए, सम्मिलित कर लीजिए। इंडियन लीग जो है या शिशिर कुमार घोष का, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ जो है आपका आनंद मोहन बोस, और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो है सैयद अहमद खां। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। वही बातें यहाँ बताई गई हैं। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना होती है शिशिर कुमार घोष के द्वारा, कलकत्ता में होती है। इंडियन एसोसिएशन के संस्था स्थापना किया था आनंद मोहन बोस के द्वारा हुआ था, यह इसके महासचिव थे। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, देखिए यहाँ पर गलती हो गया हमसे, यहाँ पर देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में आनंद मोहन बोस का योगदान था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। देखिए यहाँ पर गलत हमको लग रहा है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक तो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आप लोग भी थोड़ा गूगल वूगल कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को रोकना जरूरी नहीं है। और यहाँ हमको लग रहा है यहाँ पर गलत है थोड़ा बहुत कुछ, और ये बाकी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो था सैयद अहमद खां का था। कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी सरोजिनी नायडू थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, भाई प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, 1817 में एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, लेकिन अगर भारतीय अध्यक्ष पूछता तब बात होती, तब वहाँ पर सरोजिनी नायडू थी। 1825 में पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी? महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो यह केवल महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो यह हिसाब से गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बद्रुद्दीन देव जी थे। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल दो जो है आपका सही है, विकल्प बी जो है आपका सही है, इसकी व्याख्या कर लीजिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1905 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बद्रुद्दीन तैयब जी थे, 1887 में मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? विभूषण बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी को बोलते हैं, विकल्प सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष विभूषण बनर्जी थे। अगर कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले एशियाई अध्यक्ष, तो वो होगा 1888 में जॉर्ज यूले बनते हैं, जॉर्ज यूले इनका नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो यह आपकी श्रीमती एनी बेसेंट थी, विकल्प डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था। यहाँ पर आप लोग को सुमिलित करना है, सुमिलित कर लीजिए। अबुल कलाम आज़ाद ने जो अधिवेशन किया है रामगढ़ का अधिवेशन 1940 में, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर का अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 का, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में करते हैं 1934 का। इस तरह से आप लोग सुमिलित कर लीजिएगा। यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं जो मैं बोला हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम निर्वाचित यूरोपीय प्रमुख कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे, जैसा कि मैं बताया हूँ 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले चुने जाते हैं। तो देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। इसी अधिवेशन में पहली बार, देखिए 1888 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1888 के अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय
शामिल हुए थे, पहली बार लाला लाजपत राय कब शामिल हुए थे, 1888 के अधिवेशन में, यह ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था पहली बार लाला लाजपत राय ने। यहाँ पर आपको मिलान करना है तो इलाहाबाद का जो अधिवेशन था वो कब हुआ था, देखिए बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ था 1924 में, गया का अधिवेशन कब हुआ था 1921 में, कराची का अधिवेशन कब हुआ था, क्या कह रहा है, नहीं नहीं यहाँ पर ये मिलान नहीं करना है भाई, मिलान मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो विकल्प सी बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। वही मैं कह रहा हूँ कहाँ से कहाँ हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी वह था बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। देखिए एक मैं प्रश्न बताऊं, एक प्रश्न आता है बार बार कि कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, कौन सा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में हुआ था। लोग सोच लेते हैं बेलगांव है तो यहां पर गांव में हुआ था, भाई बेलगांव में अधिवेशन नहीं हुआ था, बांकीपुर एक जगह है, बांकीपुर शायद बांकीपुर में ही गाँव में अधिवेशन हुआ था, बाकी यह ये वाला उत्तर जो होगा सही नहीं होगा। यहाँ पर आइए अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करिए। तो देखिए पहले अध्यक्ष कौन, यहाँ पर अगर इन चारों में अगर क्रम से देखा जाए तो आपको पता है कि महात्मा गांधी 1924 में बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू 1929 में बनते हैं, वल्लभ भाई पटेल 1931 में बनते हैं और सरोजिनी नायडू 1925 में बनते हैं। तो इस तरह से 1, 4, 2 और 3 इस तरह से आप लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, 1, 4, 2, 3 मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। यहीं पर आप लोग देख सकते हैं यही बातें लिखी गई हैं, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी करते हैं, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में और जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि मैं जब तक भारत में हूँ तो कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में अपना योगदान दूँ, तो विकल्प बी करजन ने कहा था। यह बातें 1900 ईस्वी में भारत सचिव को लिखे एक पत्र में करजन ने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखिए सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, ये तो बात गलत भाई, प्रथम भारतीय महिला थी ये होना चाहिए, तो ये तो गलत है। चित्तरंजन दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, यह सही आपका बिल्कुल, इनकी जगह हकीम अजमल खां को बनाया जाता है, यह जेल में थे उस समय। एनल ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम भारत ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यह भी आपका गलत हुआ, क्योंकि आपका मैं बताया हूँ कि जॉर्ज यूले थे, ये भी गलत हो गया। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, यह भी ये आपका सही हुआ। कौन सा कथन सही हुआ, यह कौन सा कथन सही हुआ देखिए, ये तो आपका गलत हो गया, चित्तरंजन दास ने, हाँ 2 और 4 सही हुआ, 2 और 4 विकल्प बी। देखिए व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, जब यह जेल में थे तो, क्या बोलते हैं चित्तरंजन दास, तो हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने कहा भीख मांगने वाली संस्था है, तो किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, विकल्प बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण जो था 1885 से 1905 के बीच में था, इस आंदोलन को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस चरण में कांग्रेस आवेदन निवेदन की नीति का अनुसरण करती थी, कांग्रेस उदारवादी आंदोलन की ग्रंथली नेताओं ने इसकी घोर आलोचना की थी। इन्हीं आलोचकों में बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा, अनुनय विनय भीख मांगने वाली संस्था यह सब कहा जाता था कांग्रेस को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उदय हो गया, तो स्वदेशी आंदोलन, विकल्प ए जो है आपका सही है, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, परिणाम स्वरूप देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, स्वदेशी आंदोलन के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई थी। ये आप देखना 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, कब तक यह बना रहा वो देख सकते हैं। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, तो यह विकल्प बी जो है यही आपका सही है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा। दिल्ली दरबार में सम्राट की तरफ से लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। यहीं पर बिहार एवं उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया, बिहार और उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। देखिए 1936 में
उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया बिहार में, यह बात आप जान लें। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, विकल्प ए जो है आपका सही है। बंगाल का विभाजन रद्द करने विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को कमजोर करने, हिंदुओं एवं मुसलमानों में लगाववाद लाने के उद्देश्य से इसने बंगाल विभाजन किया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप देश में राष्ट्रवाद का तेजी से विकास हुआ। इसी के परिणामस्वरूप देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुए थे। किसी को लग रहा है कि मैं बहुत जल्द जल्द बहुत स्पीड में बोलता जा रहा हूँ, तो आप लोग स्पीड को घटाओ बढ़ा सकते हैं। आप अपने दाहिनी तरफ देखिएगा, वहाँ पर 3 डॉट बना हुआ होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे, स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ब्रिटेन में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, विकल्प बी। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में लाया गया था, तभी से इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया था। यद्यपि बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 को हुई थी, 19 जुलाई 1905 को हुई थी, इससे पहले ही कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को अंक में सर्वप्रथम बहिष्कार का सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम अभियान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, विकल्प ए जो है आपका सही है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था। वस्तुतः 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था, लोगों ने शोक दिवस मनाया और गंगा स्नान करके सड़कों पर वंदे मातरम का नारा लगाया, फिर वह राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बन गया था। 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा अभी विभाजित हुआ था। देखिए यहाँ पर बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, दोबारा विभाजित नहीं कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि मतलब फिर से दोबारा जुट गया। तो यह 1911 में फिर से जोड़ दिया गया, विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में। बंगाल 1905 में विभाजन विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा 1911 में विभाजित हुआ। वस्तुतः ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी का स्वागत का आगमन हुआ, इसके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। यहीं पर बंगाल को तो एक कर दिया गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर यह इस विभाग से मतलब है, बिहार को बंगाल को एक कर दिया गया, लेकिन फिर बिहार एवं उड़ीसा को अलग से एक नया प्रांत बनाया गया, और फिर बिहार से ही उड़ीसा अलग हो गया था 1936 में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, परीक्षा मंथन UPSC प्रीलिम्स 1000 MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद आप लोग।